नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चन। ये आपके आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे और आज हम कोशिश करेंगे कि 200 के करीब क्वेश्चन जो है आज हम डिस्कस कर पाएं और कम से कम समय में जो है 200 के करीब क्वेश्चन हम डिस्कस कर पाएं, क्योंकि आप लोगों का टाइम काफ़ी कीमती है, टाइम को बचाया जाए यहाँ से। चलिए डिस्कस करते हैं विदाउट एनी डिले। क्वेश्चन नंबर 157 है, यहाँ पर पूछा गया है सूरजतार लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो सूरजतार लेक है ये हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? ऑप्शन डी नन ऑफ दिस जो है वो सही आंसर है। तो सूरजतार और चंद्रताल झीलें कहाँ पर हैं? ये लाहौल स्पीति में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 158 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है रूपी भाभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। रूपी भाभा वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। ऑप्शन ए किन्नौर जो है वो सही आंसर है। अगला है भुंतर एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो भुंतर एयरपोर्ट कुल्लू में स्थित है। उससे अगला क्वेश्चन है बाबा बालकनाथ टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये जो बाबा बालकनाथ मंदिर है ये कहाँ पर है? ये हमीरपुर में स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 157 देखिए, यहाँ पर क्या पूछा गया है पार्वती इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। तो पार्वती जो है वो किसकी सहायक है? ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, ब्यास की सहायक है पार्वती। क्वेश्चन नंबर 158 देखिए, 158 में आपसे पूछा गया है व्हाट इज बड़ा सिकरी। तो बड़ा सिकरी क्या है? ये एक ग्लेशियर है। ऑप्शन डी सही आंसर है। 159 में पूछा गया है बेरासूर डैम इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बेरासूर डैम हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर है। बेरासूर जो है वो किसकी सहायक है? ये आप कमेंट करके बता दीजिए। नैना देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? नैना देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? 160 का ऑप्शन सी बिलासपुर जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 113 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है बारालाचा ला पास इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो बारालाचा ला दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 113 का ऑप्शन डी लाहौल स्पीति सही आंसर है। पार्वती किसकी सहायक है? देखो क्वेश्चन मैंने कहा था कि रिपीट होते हैं, तो अभी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। किसकी है? ब्यास। ऑप्शन सी जो है 114 का सही आंसर है। प्रासर झील कहाँ पर स्थित है? मंडी में स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर है। गैम्यूल जिया बेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थित है? तो ये चंबा में स्थित है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 117 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन स्टेट। यानी कि हिमाचल प्रदेश में सबसे उच्च पर्यटन स्थान जो है वो कौन सा है? सबसे टॉप डेस्टिनेशन मान जाते हैं कि सबसे अधिक टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। तो ऑप्शन बी शिमला जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 118 है पोंग डैम इज ऑल्सो नोन एज। तो पोंग डैम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसको महाराणा प्रताप सागर डैम के नाम से भी जाना जाता है। कौन से जिले में स्थित है? ये कांगड़ा जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 119 देखिए, HRTC केम इनटू बीइंग इन विच ईयर। तो HRTC यानी कि हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, 1974। गग्गल एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? तो गग्गल एयरपोर्ट डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस जो है 120 का सही आंसर है। सरयून फोर्ट कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सरयून फोर्ट कहाँ पर स्थित है, तो ये बिलासपुर में स्थित है। ऑप्शन डी बिलासपुर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 122 है टोनी देवी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो टोनी देवी मंदिर है ये कहाँ पर है? ये हमीरपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 123 है तारागढ़ पैलेस इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तारागढ़ महल जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो तारागढ़ पैलेस कहाँ पर है? ये ऑप्शन ए कांगड़ा में जो है वो स्थित है। तारागढ़ पैलेस की बात की गई है तब ये कांगड़ा में है। क्वेश्चन नंबर 122 देखिए, धांगी इज अ डांस फॉर्म ऑफ विच एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो धांगी जो है वो कौन से हिमाचल प्रदेश के कौन से क्षेत्र का नृत्य है? तो धांगी कहाँ का है? ऑप्शन सी चंबा का ये नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 125 देखिए, लमन सिंगिंग इज अ पॉपुलर इन विच वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो लमान गायन है ये हिमाचल प्रदेश की कुल्लू वैली में फेमस है। ऑप्शन बी जो है वो 125 का सही आंसर है। 126 देखिए, चैत्रौल फेस्टिवल इज पॉपुलरली नोन एज। चैत्रौल उत्सव को लोकप्रिय रूप से जाना जाता है, इसको क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 126 का ऑप्शन सी फेस्टिवल ऑफ पिक्चर्स, यानी कि चित्रों का उत्सव भी इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 127 देखिए, चिसू फेयर इज सेरेमनी ऑफ, चिसु मेला समारोह होता है। क्वेश्चन नंबर 127 की बात करें तो ऑप्शन ए बुद्धिस्ट सेरेमनी है ये एक, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 128 देखिए, द फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन। तो हिमाचल प्रदेश की पहली विधानसभा कब गठित हुई थी? यहाँ पर बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन जो है वो होता है। यहाँ पर क्या पूछा गया है गठित कब हुई, तो गठित कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 128 का ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अगर पूछा जाए कि विधानसभा के लिए पहली बार इलेक्शन कब हुए थे, तो इलेक्शन जो था 1951 में हुए थे। फर्स्ट विधानसभा इलेक्शन कब हुए थे? 1951 में हुए थे। और फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली कब कॉन्स्टिट्यूट की गई थी? 1952 में की गई थी। हिमाचल प्रदेश एस्टेब्लाइज इट्स ऑन हाई कोर्ट इन, इनके हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 129 का ऑप्शन डी 1971 जो है वो सही आंसर है। 1971 में इसकी स्थापना की गई थी। 130 देखिए, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश एज पर
2011 सेंसस। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 123 है, ऑप्शन सी सही आंसर है। 131 है, लिटरेसी रेट इज लोएस्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर जो है वो सबसे कम है। तो क्वेश्चन नंबर 131 की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन ए चंबा जो है वो सही आंसर है, चंबा का साक्षरता दर जो है वो सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 132 देखिए, डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री वॉज एस्टेब्लाइज्ड इन विच ईयर। तो ये जो यूनिवर्सिटी थी डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी है भी अभी, इसकी स्थापना कब की गई थी, 1985 में की गई थी। और पालमपुर में जो यूनिवर्सिटी है सीएचके यूनिवर्सिटी चौधरी श्रवण कुमार यूनिवर्सिटी, उसकी स्थापना कब की गई थी ये कमेंट करके बता दीजिए। और हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी कब स्थापित की गई थी ये भी कमेंट करके बता दीजिए। 133 है, NIT यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो NIT कहाँ पर स्थित है, NIT हमीरपुर में स्थित है। मैंने आपको बताया था कि पहले ये रीजनिंग इंजीनियरिंग कॉलेज होता था, फिर इसका नाम बदल कर जो था वो NIT रखा गया था। ये प्रीवियस में जब हमने डिटेल में पढ़ा था तो सब आपको मैंने बताया है। क्वेश्चन नंबर 134 देखिए, पारस डोगरा इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो पारस डोगरा हिमाचल से संबंध रखते हैं, ये कौन से खेल से है, इनके कौन सा खेल खेलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 134 का ऑप्शन डी क्रिकेट जो है वो सही आंसर है, क्रिकेट से ये संबंध रखते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 135 देखिए, संसार चंद वॉज अ फेमस रूलर ऑफ विच प्रिंसली स्टेट। संसार चंद हिमाचल प्रदेश के किस राजसी राज्य के प्रसिद्ध शासक थे। संसार चंद के बारे में आपको पता है, कांगड़ा, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। 136 देखिए, ये जो है क्वेश्चन नंबर 157 देखिए, 157 जो है वो है दी फर्स्ट मेंबर ऑफ राज्यसभा फ्रॉम हिमाचल प्रदेश वॉज। तो हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के प्रथम सदस्य कौन थे। तो हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के जो पहले सदस्य थे वो थे चिरंजी लाल वर्मा, ऑप्शन डी सही आंसर है, चिरंजी सही आंसर होगा। 158 देखिए, 158 में पूछा गया है, लामा लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो लामा झील है ये हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है। तो लामा लेक ऑप्शन बी चंबा में जो है वो स्थित है। 158 का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 159 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट इज रिलेटेड विद चिनाब रिवर। तो इनमें से ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जो चिनाब नदी के साथ संबंध रखता है। 159 की बात करेंगे तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस जो है वो सही आंसर है। थिरोट भी संबंध रखता है, शिशु भी संबंध रखता है और किलार भी संबंध रखता है, ये सभी जो है ये चिनाब नदी के साथ संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, काहिका फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो काहिका मेला कहाँ पर लगता है। क्वेश्चन नंबर 160 की बात करेंगे तो इसका ऑप्शन डी कुल्लू जो है वो सही आंसर है, कुल्लू में लगता है ये काहिका मेला। क्वेश्चन नंबर 102 में पूछा गया है, द सेक्स रेशियो ऑफ हिमाचल प्रदेश एज पर 2011 सेंसस। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का लिंगानुपात 972 है, ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए, द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट किन्नौर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो किन्नौर का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन डी रिकोंगपियो जो है वो सही आंसर है, रिकोंगपियो में है। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है वो कौन सी है। तो 104 का ऑप्शन बी सही आंसर है, गोविंद सागर झील। स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है डिस्ट्रिक्ट सोलन में। और सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन है, तो सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन है ये कमेंट करके बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, द रिवर रावी ओरिजिनेट फ्रॉम विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो रावी नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, कन्फ्यूजन जो होता है वो बड़ा बंगाल और बारालच्चा में होता है। रावी नदी निकलती है बड़ा बंगाल से, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 107 देखिए, कसोटा फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो गसोटा फेयर मेला जो है वो हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में लगता है, कौन से स्थान में लगता है। तो 107 का ऑप्शन सी हमीरपुर जो है वो सही आंसर है, ये हमीरपुर में लगता है। 108 देखिए, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो हिमाचल प्रदेश के जिले का कौन सा ऐसा जिला है जिसका जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है। तो हमीरपुर ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, 108 का ऑप्शन ए सही आंसर है। 109 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, साच पास कनेक्ट चंबा एड विद। तो साच दर्रा जो है वो चंबा को किससे जोड़ता है। साच पास जो है, साच दर्रा जो है चंबा को पांगी से जोड़ता है, ऑप्शन ए सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ क्योंथल प्रिंसली स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो क्योंथल ये जो प्रिंसली स्टेट था इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, इसकी स्थापना गिरी सेन के द्वारा की गई थी, ऑप्शन ए गिरी सेन जो है वो सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ पर द ओल्ड नेम ऑफ सुंदरनगर वॉज। तो सुंदरनगर का जो पुराना नाम था वो था बन्नेड़, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 112 देखिए, हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन वॉज एस्टेब्लाइज्ड इन विच ईयर। हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की स्थापना 1969 में की गई थी, ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, रिवर राफ्टिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन हिमाचल प्रदेश इन विच ईयर। तो रिवर राफ्टिंग कब आरंभ हुई थी हिमाचल प्रदेश में, तो 113 का ऑप्शन डी
1989 जो है वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 114, यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन लाहौल स्पीति ऑफ हिमाचल प्रदेश इज, लाहौल स्पीति में कितनी है, एक है, किन्नौर में कितनी है, किन्नौर में भी एक है। बाकी आप अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोग वीडियोस देखते हैं तो अलग अलग अपने अपने डिस्ट्रिक्ट की जो है वो विधानसभा की सीटें जो है वो कमेंट करके बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 116 है, व्हेन डिड गांधी जी विजिटेड शिमला फर्स्ट टाइम, तो गांधी जी ने शिमला पहली बार कब विजिट किया था, तो 1921 में किया था, ऑप्शन ए सही आंसर है। 117 है, हु डेजिग्नेटेड शिमला एज द समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, तो भारत में शिमला को ब्रिटिश राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाया था, ग्रीष्मकालीन राजधानी किसके द्वारा बनाया गया था, 117 का ऑप्शन बी लॉर्ड जॉन लॉरेंस जो है वो सही आंसर है, सर जॉन लॉरेंस ने जो था वो बनाया था। HRTC की स्थापना कब की गई थी, ये क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट हो गया, मैंने कहा था ना कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो ऑप्शन ए 1974 में HRTC की स्थापना की गई थी। 119 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है सन टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये जो सूर्य मंदिर है ये हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है, सूर्य मंदिर ऑप्शन डी नीरथ में स्थित है, ऑप्शन डी सही आंसर है। वॉर मेमोरियल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट या फिर इन विच पैलेस, वॉर मेमोरियल धर्मशाला में स्थित है, 120 का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर है, धर्मशाला में स्थित है। अगला क्वेश्चन पराशर झील कहाँ पर है, तो पराशर झील मंडी में है। विच इज़ द लार्जेस्ट जिंजर प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो अदरक सबसे अधिक कहाँ पर उगाया जाता है, अदरक सबसे अधिक सिरमौर में उगाया जाता है, ऑप्शन ए सही आंसर है। 123 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है द टोटल फंड ऑफ फंड्स एलोकेशन फॉर फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन हिमाचल प्रदेश वॉज नियरली, तो जो पहला 5 ईयर प्लान था उसकी फंड एलोकेशन कितनी थी, तो 123 का ऑप्शन डी 5.27 करोड़ जो है वो सही आंसर है। और जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था उसकी आउटले कितनी थी, उसकी थी 14.73 करोड़, 14.73 करोड़, याद रखिए। 124 में पूछा गया है व्हाट इज द शेयर ऑफ हिमाचल प्रदेश इन नाथवा झाकड़ी प्रोजेक्ट, तो नाथवा झाकड़ी परियोजना में हिमाचल प्रदेश का शेयर कितना है, यह है 25%, ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 125 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश बुक किसने लिखी है, तो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश जो है वो किताब लिखी गई है OC हांडा के द्वारा, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 126 देखिए, वेयर डिड गुरु गोविंद सिंह राइट अ मेजर पोर्शन ऑफ दशम ग्रंथ, तो जो गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा दशम ग्रंथ लिखा गया था इसका प्रमुख अंश इन्होंने कहाँ पर लिखा था, तो पांवटा साहिब में लिखा गया था, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ पहाड़ी पेंटिंग इज, तो पहाड़ी पेंटिंग पहाड़ी चित्रकला जो थी इसकी सबसे पुरानी शैली कौन सी है, तो 127 का ऑप्शन सी बसौली जो है वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है हु वॉज अमृता शेरगिल, अमृता शेरगिल कौन थी, ये एक एमिनेंट इंडियन पेंटर थी, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, एक प्रतिष्ठित भारतीय चित्रकार थी। 129 फिर से, द्योथित मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये हमीरपुर में स्थित है। भुंडा सेरेमनी इज हेल्ड आफ्टर एवरी, कितने वर्षों के बाद भुंडा उत्सव जो है वो मनाया जाता है, तो 130 का ऑप्शन बी 12 ईयर्स जो है वो सही आंसर है, 12 वर्षों के बाद ये लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा गया है अकॉर्डिंग टू महाभारता हु फाउंडेड कटोच मोनार्की ड्यूरिंग 1400 BC, तो 1400 ईस्वी के आसपास कटोच राजतंत्र की नींव किसने रखी थी, तो ये सुशर्मा चंद्रा के द्वारा रखी गई थी, 66 का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर है। 67 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वॉज द कैपिटल ऑफ जगतसुक ड्यूरिंग एंशियंट पीरियड, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राचीन काल में जगतसुक की राजधानी रहा, तो कौन सा रहा, कुलुटा, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है 67 का। 68 देखिए, हिमाचल प्रदेश बिकेम यूनियन टेरिटरी इन विच ईयर, तो हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश 1956 में बना था, ऑप्शन डी जो है 68 का सही आंसर है। 69 देखिए, दी ड्राइएस्ट प्लेस इन हिमाचल प्रदेश इज, तो हिमाचल प्रदेश का सबसे सूखा स्थान कौन सा है, तो ऑप्शन सी सही आंसर है, स्पीति सही आंसर है। 70 क्वेश्चन देखिए, द स्टेट लोकेटेड इन वेस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज, तो मैंने कई बार आपको बताया है हिमाचल प्रदेश के वेस्ट में कौन सा स्टेट स्थित है, पंजाब स्थित है, 70 का ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन हिमाचल प्रदेश इज, तो सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है, 71 का ऑप्शन डी गोविंद सागर झील सही है, रिपीट क्वेश्चन हो रहा है ये भी। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, रिवर चेनाब ड्यूरिंग वैदिक पीरियड वॉज नोन एज, तो चेनाब नदी को वैदिक समय में किस नाम से जाना जाता था, 72 का ऑप्शन डी नन ऑफ दिस जो है वो सही आंसर है। चेनाब नदी को जो था वो वैदिक नाम था इसका, जो था वो था अस्किनी नाम, याद रखिए आप इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, वह 73 इसमें पूछा गया है कि चोलांग पीक इज लोकेटेड इन, चोलांग कहाँ पर अवस्थित है, चोलांग धौलाधार रेंज में पड़ती है, 73 का ऑप्शन सी सही आंसर होगा। कई बार जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज भी पूछा जाता है कि चोलांग वो कौन से जिले में स्थित, चोलांग पीक जो है ये पड़ती है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में।
क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है पंचपुला पिकनिक रिजॉर्ट इज लोकेटेड नियर, तो पंचपुला पिकनिक रिजॉर्ट कहाँ पर स्थित है? 74 का ऑप्शन बी डलहौजी के समीप जो है ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, द रीजनल सेंटर ऑफ इंडियन ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड इज लोकेटेड एट, भारतीय मानक ब्यूरो का क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन सी परमाणु जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ रंग महल ऑफ चंबा, चंबा का ये जो रंग महल था इसका शिलान्यास किसने रखा था? 76 का जो है वो ऑप्शन ए उमेद सिंह जो है वो सही आंसर है। 77 देखिए, द बैटल ऑफ भंगाणी टुक प्लेस बिटवीन गुरु गोविंद सिंह एंड राजा ऑफ, तो भंगाणी का युद्ध जो था वो गुरु गोविंद सिंह और किसके मध्य हुआ था? तो 77 का ऑप्शन ए बिलासपुर जो है वो सही आंसर है। बिलासपुर में हुआ था ये क्वेश्चन, बिलासपुर के राजा के साथ हुआ था। 78 देखिए, इन विच ईयर रामपुर बुसहर रियासत केम अंडर द पोजेशन ऑफ ब्रिटिश, तो किस टाइम जो था किस ईयर में जो था वो रामपुर बुसहर रियासत ब्रिटिश के अधीन आई थी? 78 का ऑप्शन ए 1815 जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट विजिट शिमला इन 1921, तो 1921 ईस्वी में निम्नलिखित में से शिमला किसने विजिट नहीं किया था जब आपसे पूछा गया है? तो ऑप्शन ए सही आंसर है 79 का, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, इन विच ईयर पीटरहॉफ वाज डिस्ट्रॉयड इन मेजर फायर, तो किस वर्ष पीटरहॉफ एक भीषण अग्नि में विनिष्ट हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन बी 1981 जो है वो सही आंसर है। 81 देखिए, हु बिकेम दी चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट सेटअप इन थियोग इन 1947, तो थियोग में 1947 में जो स्वतंत्र सरकार गठित की गई थी इसके जो मुख्यमंत्री बने थे वो कौन बने थे? तो 81 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर है, सूरत प्रकाश सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 82, गद्दीज आर कंसीडर्ड एज दी डिसेंडेंट ऑफ, तो गद्दी निम्न के वंशज माने जाते हैं, तो गद्दी किसके वंशज माने जाते हैं? खत्रीज, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83 है, यहाँ पर पूछा गया है कुलिंदाज वर ओरिजिनली दी पीपल बिलोंगिंग टू, तो कुलिंदाज जो है मूलतः निम्न से संबंध रखने वाले लोग हैं, तो ये शिमला और सिरमौर, ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन नंबर 83 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा गया है शोभा सिंह आर्ट गैलरी इज लोकेटेड एट, तो शोभा सिंह आर्ट गैलरी जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है अंद्रेटा में, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। 85 में पूछा गया है द स्टेट म्यूजियम ऑफ हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड इन द बिल्डिंग फेमस एज पर, तो ऑप्शन डी इसका नन ऑफ दीज जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 है, यहाँ पर पूछा गया है द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन वेस्टर्न हिमालय वॉज लोकेटेड एट, तो पश्चिमी हिमालय में पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अवस्थित था, कहाँ पर यह था? 86 का ऑप्शन बी जोगिंदर नगर जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87 है, विच इज़ दी लार्जेस्ट एप्पल ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक सेब उत्पादक जिला कौन सा है? 87 का ऑप्शन सी शिमला जो है वो सही आंसर है। 88 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग SCERT इज लोकेटेड एट, तो शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण की राज्य परिषद व्यवस्थित है ये कहाँ पर है? तो ये सोलन में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन डी सोलन जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है हिमाचल प्रदेश फॉल्स इन विच हिमालयन जोन, तो हिमाचल प्रदेश जो है वो किस हिमालयन जोन में पड़ता है? ऑप्शन सी वेस्टर्न हिमालय में ये पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, धौलाधार मींस, तो धौलाधार का मतलब क्या है? इसका मतलब है व्हाइट पीक, ऑप्शन डी श्वेत शिखर जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, लाहौल स्पीति कवर्स व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी सही आंसर है 24.85%। हमीरपुर कितना करता है ये भी कमेंट करके आप बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पंडोह लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो पंडोह मंडी में स्थित है, ऑप्शन सी मंडी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बाणगंगा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, तो बाणगंगा किसकी सहायक है? ये ब्यास की सहायक है, ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है द फर्स्ट एयरपोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज कंस्ट्रक्टेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश का पहला जो वायु अड्डा था इनके वायु पतन था वो कहाँ पर निर्मित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सी भुंतर जो है वो सही आंसर है। एक एग्जाम में अभी हमने पढ़ा कि भुंतर एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो कुल्लू में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बादल ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो बादल ग्लेशियर जो है वो कौन सी पर्वत शिखर में पड़ता है? तो ये पीर पंजाल में पड़ता है, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, फुलैच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो फुलैच त्यौहार जो है वो किन्नौर में मनाया जाता है, ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, लावी फेयर इज अवार्ड, तो लावी मेला जो है वो कितने वर्ष पुराना है? तो ये लगभग 300 वर्ष पुराना मेला है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ओरिजिनली जम्बू देवता वॉज, तो मूलतः जम्बू देवता थे कौन थे? क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी ऋषि जगदंगनी जो है वो सही आंसर है, ऑप्शन बी। सो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 16 है, विच टेम्पल इज नोन एज एलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल का एलोरा किस मंदिर को कहा जाता है, ये मसरूर मंदिर को कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अजंता किसको कहा जाता है ये आप कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, तायुल मोनेस्ट्री या फिर तायुल गुम्पा वॉज बिल्ट इन विच ईयर। तो तायुल गुम्पा कब बना था, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन डी 17th सेंचुरी 17वीं शताब्दी में ये बना था। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, चंबा पेंटिंग गॉट द रॉयल पेटनेस फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच रूलर। ये जो चंबा पेंटिंग थी इसको सर्वप्रथम किसके शासनकाल के दौरान जो था वो राजसी संरक्षण मिला था। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी उदय सिंह जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है दी ओडंबराज वर कंसीडर एज अ डिसेंडेंट ऑफ विच सिख। तो ओडंबरों को किसका शिष्य माना जाता है, किस ऋषि का शिष्य माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन बी विश्वामित्र जो है वो सही आंसर है। 20 में पूछा गया है गुलेर प्रिंसली स्टेट वॉज फाउंडेड बाय विच रूलर। तो गुलेर की स्थापना किसने की थी, 20 का ऑप्शन ए हरिचंद जो है वो सही आंसर है। 21 में पूछा गया है द फर्स्ट म्यूनिसिपल गवर्नमेंट फॉर्मड इन एमसी शिमला इन विच ईयर। शिमला नगर निगम में किस वर्ष सबसे पहले म्यूनिसिपल गवर्नमेंट निर्मित की गई थी। 21 का ऑप्शन ए 1851 जो है वो सही आंसर है। फिर से पूछ लिया गया डॉक्टर वाई एस परमार हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। 22 का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 23 देखिए, कुकती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ पर स्थित है। कुकती वन्यजीव अभ्यारण्य चंबा में स्थित है, ऑप्शन डी सही आंसर है। हिमाचल सेवा सदन इज लोकेटेड एट, तो हिमाचल सेवा सदन कहाँ पर स्थित है, ये चंडीगढ़ में स्थित है, ऑप्शन सी चंडीगढ़ जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, कल्पी मेमोरियल कहाँ पर स्थित है। तो कल्पी मेमोरियल जो है ये ऑप्शन ए पोंटा साहिब में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121, विच डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इज हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड एट दी हाईएस्ट एल्टीट्यूड। तो ऐसा कौन सा जिला मुख्यालय है जो सबसे ऊंचे शिखर पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 121 की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन बी केलोंग जो है इसका सही आंसर आएगा। 122 देखिए, कुगती पास कनेक्ट लाहौल विद, तो कुगती दर्रा लाहौल को किसके साथ जोड़ता है, ये लाहौल को भरमौर के साथ जोड़ता है, ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वशिष्ठ हॉट वाटर स्प्रिंग इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये वशिष्ठ हॉट वाटर स्प्रिंग कुल्लू में स्थित है, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 124 देखिए, चुहार वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो चुहार वैली कहाँ पर है, ये मंडी में स्थित है, ऑप्शन ए सही आंसर है। इमला बिमला घाटी कहाँ पर है, ये कमेंट करके बता दीजिए। 125 देखिए, वैदिक नेम ऑफ रिवर व्यास इज, व्यास नदी का वैदिक नाम क्या है, ऑप्शन डी अर्जिक्या इसका वैदिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 126 देखिए, कराली लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो कराली झील हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है। तो कराली झील जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये ऑप्शन डी सही आंसर है, शिमला में ही स्थित है कराली झील। क्वेश्चन नंबर 127 देखिए, द बैटल ऑफ नंदौन फाउट बिटवीन राजा भीमचंद ऑफ कहलूर एंड मुगल अंडर अलीफ खान इन विच ईयर। तो नंदौन की लड़ाई कहलूर के राजा भीमचंद और अलीफ खान के नेतृत्व में मुगलों के बीच किस साल हुई थी। क्वेश्चन नंबर 127 का ऑप्शन डी सही आंसर है, 1691 में ये हुई थी। क्वेश्चन नंबर 128 देखिए, हिमाचल प्रदेश बिकेम द चीफ कमिश्नर प्रोविंस इन विच ईयर। तो हिमाचल प्रदेश किस वर्ष मुख्य आयुक्त प्रांत जो था वो बना था। तो 128 की अगर बात करेंगे तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर है, 1948 में ये बना था। 129 देखिए, इन टोटल नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में कुल कितने प्रशासनिक विभाग हैं, तो हिमाचल प्रदेश में ऑप्शन बी 3 प्रशासनिक विभाग हैं। 130 है, द फाउंडर ऑफ सिरमौर प्रिंसली स्टेट वॉज एट। तो सिरमौर रियासत की स्थापना किसने की, तो सिरमौर रियासत के संस्थापक कौन थे, 130 का जो है वो ऑप्शन सी राजा रसालू सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 131 देखिए, एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ उहल 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज। तो ये जो उहल 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है इसको एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी है, ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड एट, हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन डी हमीरपुर में ये यूनिवर्सिटी जो है वो स्थित है। 133 देखिए, विच वॉज द फर्स्ट बैंक इन शिमला। तो शिमला का पहला बैंक कौन था, क्वेश्चन नंबर 133 का ऑप्शन बी अलायंस बैंक जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 134 है, धरती है बलिदान की बुक इज रिटन बाय। तो धरती है बलिदान की बुक किसने लिखी थी, ये शांता कुमार जी के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 135 देखिए, भूरी सिंह म्यूजियम इज लोकेटेड एट। तो ये जो भूरी सिंह म्यूजियम है कहाँ पर है, ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है, ऑप्शन डी जो है 135 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 136 है, विच इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ऐसे हिस्ट्री का क्वेश्चन अब यहाँ पर आ गया है तो डिस्कस कर लेते हैं। लोथल को कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 137 को भी देख लेते हैं, कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, अब जब शो हो गए हैं तो देख लीजिए। 137 में पूछा गया है
महाभारत वॉज रिटन बाय, तो महाभारत किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन बी सही आंसर है, वेद व्यास जी के द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 121। 121 में क्या पूछा गया है, विच इज दी लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, सतलुज जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है 122, यहाँ पर पूछा गया है टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश इज, हिमाचल प्रदेश का टोटल जियोग्राफिकल एरिया जो है वो कितना है? तो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है 55,673 स्क्वेयर किलोमीटर, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ड्राइएस्ट प्लेस इन हिमाचल प्रदेश इज, तो हिमाचल प्रदेश का सबसे सूखा स्थान जो है वो कौन सा है? ड्राइएस्ट प्लेस जो है वो कौन सा है? स्पीति, ऑप्शन ए जो है वो सही है। टोटल नंबर ऑफ विधानसभा सीट्स इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की, तो किन्नौर जिले में कुल विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए एक जो है वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 125, नागर डेवलपमेंट ब्लॉक इज पार्ट ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो ये जो नगर विकास ब्लॉक है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले का भाग है? नगर ब्लॉक जो है वो कुल्लू जिले का भाग है। क्वेश्चन नंबर 125 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर है। उसी तरह 126 क्वेश्चन देखिए, 126 में क्या पूछा गया है, पौरी फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो पौरी त्यौहार जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। 126 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर है, इसका ऑप्शन डी सही आंसर होगा, यहाँ पर है ऑप्शन डी लाहौल स्पीति। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है चौंतरा वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? चौंतरा वैली कहाँ पर है? देखो अभी दूसरी बार रिपीट हो गया, ऑप्शन बी मंडी जो है वो सही आंसर है। 128 देखिए, चंबा डोमिनियन वॉज फाउंडेड बाय, तो चंबा अधिराज्य की स्थापना किसके द्वारा ये स्थापित किया गया था? 128 का ऑप्शन है मेरू वर्मन जो है वो सही आंसर है, मेरू वर्मन के द्वारा स्थापित किया गया था। 129 है, विच दिल्ली सुल्तान कैप्चर कांगड़ा 1437-80? तो किस दिल्ली सुल्तान ने 1337 ईस्वी में कांगड़ा किले को जीता था? कांगड़ा जिले को किसके द्वारा जीता गया था? क्वेश्चन नंबर 129 का ऑप्शन बी सही आंसर है, मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 130 देखिए, विच मुगल गवर्नर विजिटेड शिमला फॉर फर्स्ट टाइम इन 1827? तो किस गवर्नर जनरल ने पहली बार 1827 में शिमला की विजिट किया था? तो शिमला विजिट किया गया था लॉर्ड एमहर्स्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 130 का ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 131 है, हिमाचल प्रदेश बिकेम पार्ट सी स्टेट इन विच ईयर? तो हिमाचल प्रदेश भाग सी राज्य कब बना था? 131 का ऑप्शन सी 1951 जो है वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि बनेर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किसके द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है? तो ये एग्जीक्यूट किया जाता है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा, ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 130 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है सी एस आई आर कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड इन विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो ये जो सी एस आई आर कॉम्प्लेक्स है ये कहाँ पर है? ये पालमपुर में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 133 का ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। उसी तरह 134 क्वेश्चन देखिए, हिमालयन बॉर्डर लैंड बुक इज रिटन बाय? तो हिमालयन बॉर्डर लैंड बुक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये राम राहुल के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन ए सही आंसर है। सिकरी फोक डांस इज परफॉर्म्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो सिकरी फोक डांस जो है वो कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है? ये चंबा में परफॉर्म किया जाता है। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर का है, उस टाइम का है ये, तो डिस्कस करके कोई फायदा नहीं, तो इस क्वेश्चन को रहने देते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 123 है, यहाँ पर क्या पूछा गया है, इंद्रसान माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? ये जो इंद्रसान माउंटेन पीक है ये हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 123 का ऑप्शन सी सही आंसर होगा, ये कुल्लू में स्थित है, ऑप्शन सी। 124 देखिए, लालूनी ज्योत इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो लालूनी ज्योत लाहौल स्पीति में स्थित है, ऑप्शन डी सही आंसर है। अगर 125 देखिए, कालिका कुंड वाटर स्प्रिंग इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो ये जो कालिका कुंड वाटर स्प्रिंग है ये चंबा में स्थित है, ऑप्शन ए सही आंसर है। 126 देखिए, इन विच ईयर गुरु गोविंद सिंह विजिटेड मंडी? तो गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा मंडी का विजिट किया गया था 1685 में, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 127 देखिए, विच मूवमेंट टुक प्लेस इन बिलासपुर? तो इनमें से कौन सा मूवमेंट जो था वो बिलासपुर में हुआ था? 127 का ऑप्शन ए जुग्गा मूवमेंट जो था ये बिलासपुर में हुआ था। ओल्ड नेम ऑफ नालागढ़ वॉज? तो नालागढ़ का पुराना नाम क्या था? नालागढ़ का पुराना नाम क्या था? ऑप्शन डी नन ऑफ दीज जो है वो सही आंसर है। तो फिर नालागढ़ का पुराना नाम क्या था ये आप कमेंट करके बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 129 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव द नेशनल अवार्ड फॉर मास्टर क्राफ्ट इन 1965? ये महेशी देवी को दिया गया था, ऑप्शन सी सही आंसर है, महेशी देवी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है डिक्की डोलमा बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल? तो डिक्की डोलमा कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये कुल्लू से बिलोंग करती हैं, ऑप्शन सी सही आंसर है। 130 अगले क्वेश्चन में पूछा गया है हु वॉज दी फर्स्ट जुडिशियल कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश के पहले जुडिशियल कमिश्नर कौन थे? तो
ये थे जे एन बनर्जी, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। 132 देखिए, टोटल नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज इन मंडी डिस्ट्रिक्ट, मंडी में कितनी है, मंडी में ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, नन ऑफ दिस। मंडी में कितनी है तो आप ये कमेंट करके बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 133 देखिए, स्टेट एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, ये जो स्टेट एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पर स्थित है, 133 का ऑप्शन सी मसोबरा सही आंसर है। 134 देखिए, कोल डैम हाइड्रो पावर प्लांट इज बिल्ट अक्रॉस विच रिवर, ये जो कोल डैम डैम है कोल डैम है ये कहाँ पर बना हुआ है, कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है, तो ऑप्शन ए सतलुज नदी सही आंसर है। 135 देखिए, बुरहा डांस इज परफॉर्म्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो बुरहा डांस कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, सिरमौर में ये परफॉर्म किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 77, यहाँ पर पूछा गया है सूही फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो सूही मेला कहाँ पर मनाया जाता है, सूही मेला चंबा में मनाया जाता है। बीर बिलिंग इज इन हिमाचल प्रदेश इज फेमस फॉर, तो बीर बिलिंग किसके लिए फेमस है, 78 का ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, हैंग ग्लाइडिंग के लिए बीर बिलिंग जो है वो फेमस है। अगला क्वेश्चन है, स्पीति इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ विच रिवर, तो स्पीति किसकी सहायक है, स्पीति जो है वो सतलुज की सहायक है, ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 80, यहाँ पर पूछा गया है मंतलाई लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो मंतलाई झील कुल्लू में स्थित है, 80 का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है गोहर सब डिवीजन इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो गोहर उपमंडल कहाँ पर स्थित है, क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, मंडी में ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 82 में देखो फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन, फर्स्ट जुडिशियल कमिश्नर कौन थे, पहले जुडिशियल कमिश्नर कौन थे, 82 का ऑप्शन ए जस्टिस जे एन बनर्जी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, 83 में पूछा गया है हाईएस्ट माउंटेन पास इन हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश का हाईएस्ट माउंटेन पास कौन सा है, परांगला सही आंसर है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, 84 में पूछा गया है स्मॉलेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन हिमाचल प्रदेश, तो सबसे छोटी आर्टिफिशियल लेक जो है वो कौन सी है, तो क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन सी पंडोह जो है वो सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ट्रेटी ऑफ संजौली, अभी ट्रेटी ऑफ संगोली वॉज साइंड इन विच ईयर, तो बिटवीन ब्रिटिश एंड, तो देखो ट्रेटी ऑफ संगोली 1815 में साइन हुई थी, ब्रिटिश और किसके बीच में ये हुई थी, ब्रिटिश ऑफ गुरखास के बीच में ये हुई थी। इस क्वेश्चन का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर है। 87 देखिए, बहादुरगढ़ फोर्ट वॉज समर प्लेस ऑफ विच राजा ऑफ बिलासपुर, तो बहादुरपुर फोर्ट जो था वो बिलासपुर के किस राजा का समर प्लेस था, विजय चंद ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। तारीख़ रियासत सिरमौर किताब किसके द्वारा लिखी गई है, तारीख़ रियासत सिरमौर किताब ऑप्शन बी रणजौर सिंह के द्वारा लिखी गई है। NIT कहाँ पर स्थित है, तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है, तो 88 का जो है वो ऑप्शन है वो सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आंध्रा हाइड्रल प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो आंध्रा जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है, 89 का ऑप्शन ए शिमला जो है वो सही आंसर है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा गया है स्क्रिप्ट ऑफ पहाड़ी लैंग्वेजेस, तो पहाड़ी लैंग्वेज की जो लिपि है वो कौन सी है पहाड़ी भाषा की, वो है टांकरी, ऑप्शन सी सही आंसर है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा गया है हु हैज रिसेंटली बिकम द इंडियाज फर्स्ट फीमेल मिलिट्री डिप्लोमेट, ये क्वेश्चन करंट अफेयर का है परंतु डिस्कस कर लेते हैं, ऑप्शन डी अंजलि सिंह जो है वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन भी अगर करंट अफेयर का आप चाहते हैं डिस्कस करना क्योंकि काफ़ी टाइम से वो रहे कस कर ही लेते हैं। 92 में पूछा गया है कि T20 अंतर्राष्ट्रीय में होने वाले ऐसे कौन से पुरुष क्रिकेटर थे T20 में, तो 92 का जो है वो ऑप्शन सी रोहित शर्मा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 93, इसमें पूछा गया है किस देश ने हाल ही में इस्लामिक पहनावा अल्फर डोल पर प्रतिबंध लगाया है, 93 का ऑप्शन बी बांग्लादेश सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 है विच इज़ दी लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है, 79 का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर है, लाहौल स्पीति, ऑप्शन बी सही आंसर है। 80 में पूछा गया है विच इज़ दी लार्जेस्ट वॉल्यूम वाइज रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो वो लार्जेस्ट वॉल्यूम वाइज रिवर बताने हैं हिमाचल प्रदेश की, तो कौन सी है, चेनाब इसका सही आंसर होगा, 80 का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर है। 81 में पूछा गया है फेमस महामाया बालासुंदरी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, उसे फेमस महामाया बालासुंदरी मंदिर ऑप्शन ए सिरमौर में स्थित है। 82 में पूछा गया है घटासुरू लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो घटासुरू झील कहाँ पर स्थित है, ये चंबा में स्थित है, ऑप्शन ए सही आंसर है। 16 सिंगी धार इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, 16 सिंगी धार जो है ये हमीरपुर में पड़ती है, ऑप्शन बी सही आंसर है। 84 में पूछा गया है लोस्तर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो लोस्तर फेस्टिवल किन्नौर में मनाया जाता है, ऑप्शन सी सही आंसर। 85 में पूछा गया है माहू नाग फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश,
माहुनाग मेला कहाँ पर लगता है? क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन बी मंडी जो है वो सही आंसर है। 86 में पूछा गया है विच इज़ द स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी प्रशासनिक मंडल कौन सा है? 86 का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर है, कांगड़ा। कांगड़ा जो है सबसे छोटा प्रशासनिक मंडल है। 87 देखिए यहाँ पर पूछा गया है मंडी प्रिंसली स्टेट वॉज ऑफ सॉर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो मंडी राजसी राज्य निम्न में से किसकी उपशाखा थी? तो मंडी उपशाखा थी किसकी? सुकेत की। क्वेश्चन नंबर 87 का जो है वो ऑप्शन ए सुकेत सही आंसर है। 88 में पूछा गया है विच गोरखा कमांडर अटैक्ड दी कांगड़ा फोर्ट इन 1805, तो किसने के कौन से गोरखा कमांडर थे जिन्होंने 1805 में कांगड़ा किले पर आक्रमण किया था? क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन बी अमर सिंह थापा जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए विच प्रिंसली स्टेट वॉज एनेक्स्ड बाय लॉर्ड डलहौजी अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो किस राजसी राज्य पर लॉर्ड डलहौजी ने हड़प की नीति के तहत कब्जा किया था? तो क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन डी सही आंसर है, भगाट। क्वेश्चन नंबर 90 है कि विक्ट्री टनल ऑफ शिमला वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई ब्रिटिश इन 1945 इन दी मेमोरी ऑफ विनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर, तो ये वर्ल्ड वॉर टू ऑप्शन डी जो है क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर है। 91 में पूछा गया है सैंज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर, तो सैंज जल विद्युत परियोजना ब्यास नदी पर बनी हुई है, ऑप्शन डी सही आंसर है। 92 में पूछा गया है श्री साई यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश, तो श्री साई यूनिवर्सिटी जो है हिमाचल प्रदेश के कौन से स्थान पर स्थित है? श्री साई यूनिवर्सिटी ऑप्शन डी पालमपुर में स्थित है, ऑप्शन डी सही आंसर है। 93 में पूछा गया है तारीख़ रियासत सिरमौर किताब इज रिटन बाय, तो तारीख़ रियासत सिरमौर ये जो किताब है तारीख़ रियासत सिरमौर ये रंजौर सिंह के द्वारा लिखी गई है। 93 का ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ विधानसभा सीट्स इन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की, तो हमीरपुर जिले में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी सही आंसर है, 5 जो है वो यहाँ पर सीटें हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है स्पीति ट्राइब्यूटरी ऑफ स्पीति किसकी सहायक है, तो स्पीति सतलुज की सहायक है, ऑप्शन ए सही आंसर है। सांगला वैली इज ऑल्सो नोन एज, सांगला वैली को बसपा घाटी भी कहा जाता है, ऑप्शन सी सही आंसर है। इंद्रकिला माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो इंद्रकिला माउंटेन पीक ऑप्शन डी कुल्लू में ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए पौरी फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, तो पौरी फेयर जो है वो कहाँ पर लगता है? ये लाहौल स्पीति में लगता है, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। लक्ष्मी नारायण टेम्पल इज लोकेटेड इन विच प्लेस, लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये चंबा में स्थित है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। फर्स्ट रेलवे लाइन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज, तो पहली रेलवे लाइन थी कालका शिमला रेलवे लाइन, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है? 15 का ऑप्शन डी हमीरपुर की है। 16 में पूछा गया है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ सब तहसील, तो सबसे अधिक सब तहसील जो है वो कहाँ पर हैं? 16 का ऑप्शन बी मंडी जो है वो सही आंसर है। 17 में पूछा गया है डोडरा कवार रेवल्ट टूक प्लेस इन विच ईयर, तो डोडरा कवार आंदोलन जो था वो कौन से वर्ष हुआ था? 1906 में ये आंदोलन हुआ था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू विजिट इंडिया, तो यहाँ पर हिमाचल होगा, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू विजिट हिमाचल, तो ये लॉर्ड एमहर्स्ट थे, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 19 देखिए फाउंडर ऑफ क्यूंथल प्रिंसली स्टेट, तो क्यूंथल प्रिंसली स्टेट के फाउंडर कौन थे? देखो ये सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे हैं, ऑप्शन सी गिरीसेन जो है वो सही आंसर है। मल्लाना टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है इसको एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी कौन सी है? मल्लाना टू को जो एजेंसी एग्जीक्यूट करती है वो है ऑप्शन ए MS एवरेस्ट प्राइवेट लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 21 है महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये बद्दी में स्थित है, 21 का ऑप्शन है बद्दी जो है वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि की व्हाट इज की, तो की क्या है? की एक मोनेस्ट्री है, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया है हरियाणा इज लोकेटेड इन विच डायरेक्शन ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो हरियाणा जो है वो साउथ में स्थित है, क्वेश्चन नंबर 111 का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर है। उसी तरह 112 नंबर क्वेश्चन देखिए धौलाधार इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ हिमालयस, तो हिमालयस के कौन से पार्ट में धौलाधार स्थित है? 112 का ऑप्शन सी लेसर हिमालयन रेंज जो है वो सही आंसर है। 113 देखिए द एरिया ऑफ हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया, क्वेश्चन नंबर 113 का जो है वो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 2.01% इसका सही आंसर है। विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ न्यू हिमाचल, तो इनमें से कौन सा न्यू हिमाचल का पार्ट नहीं है? ऑप्शन बी बिलासपुर पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 115 देखिए कराली लेक जो है वो कहीं पर स्थित है, यहाँ पर देखो कराली दिया गया है, कराली लेक यहाँ पर करेरी दिया गया है,
तो करेली, देखिए करेली लेक कहाँ पर स्थित है, तो ये लेक जो है ये शिमला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 115 का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर है। 116 है उहल इज द ट्राइब्यूटरी ऑफ, तो उहल किसकी सहायक है, तो उहल ब्यास की सहायक है। 116 का ऑप्शन डी सही आंसर है। स्वांगला इज द शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो स्वांगला ऑप्शन डी लाहौल स्पीति की ये ट्राइब है। जानेखंग इज अ मोस्ट कॉमन वाइडली प्रैक्टिस मैरिज सिस्टम फॉलोड बाय विच ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो जानेखंग मैरिज प्रैक्टिस जो है वो किसके बीच में है। 118 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर है, किनौरास के बीच में ये स्थित है। 118 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर है। 119 देखिए, इसमें पूछा गया है विच गॉडेस वॉज द पैटर्न डाइटी ऑफ कुल्लू राजा, तो हडिम्बा इसका सही आंसर होगा। 75 आंदोलन कब हुआ था, ये 1942 में हुआ था। 120 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर है। 121 की बात करें कि कुनिहार रियासत की स्थापना किसने की थी, तो कुनिहार रियासत की स्थापना अभोज देव के द्वारा की गई थी, ऑप्शन ए सही आंसर है। हिमाचल प्रदेश केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1948 विद द मर्जर ऑफ हाउ मेनी प्रिंसली स्टेट, तो हिमाचल प्रदेश जो था वो कितनी रियासतों को मिलाकर अस्तित्व में आया था। मैंने आपको बताया था कि 30 छोटी बड़ी रियासतें, ऑप्शन डी सही आंसर है। हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हिप्पा कहाँ पर स्थित है, तो हिप्पा फेयरलॉन्स ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 123 का ऑप्शन ए सही आंसर है। 124 में पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ विधानसभा सीट्स, यानी कि विधानसभा के कितने मेंबर थे 1952 में, तो 1952 की बात की गई है, तो 124 का ऑप्शन ए सही आंसर है। 36 बंदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थित है, बंदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑप्शन ए मंडी में ये स्थित है। स्टेट प्लानिंग बोर्ड जो होता है उसको कौन हेड करता है, तो स्टेट प्लानिंग बोर्ड को चीफ मिनिस्टर ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, चीफ मिनिस्टर के द्वारा हेड किया जाता है। एनिस विला इज लोकेटेड इन विच टाउन, तो एनिस विला जो है वो सोलन में स्थित है, सलमान रश्दी का रेजिडेंस रह चुका है। 128 देखिए, मसरूर रॉक टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो मसरूर रॉक टेम्पल जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। 128 का जो है वो ऑप्शन सी कांगड़ा जो है वो सही आंसर है, कांगड़ा में स्थित है। हिमाचल प्रदेश सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट वॉज एनेक्टेड इन विच ईयर, तो ये एक्ट कब आया था, कब इसको अधिनियमित किया गया था। 129 का ऑप्शन बी 1972 जो है वो सही आंसर है। 130 देखिए, इसमें पूछा गया है द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे M.S. हिम्मत सिंह जी, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। तो ये क्वेश्चन हमने लगभग 200 क्वेश्चंस के आसपास हमने डिस्कस कर लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।